प्री मेच्योर डिलीवरी होने पर नवजात शिशुओं को अत्याधुनिक फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर की सुविधा देने वाला राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। ये सुविधा अब प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में समय से पहले पैदा होने वाले नवजातों को मेडिकल कॉलेज में ही चिल्ड्रन वार्ड में ये सुविधा प्राप्त होगी। प्री मेच्योर डिलीवरी की सूरत में नवजातों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इन इंक्यूबेटर्स की खास बात यह है कि ये नॉन टच तकनीक पर तैयार किए गए हैं, जिससे नवजात शिशु में संक्रमण इत्यादि फैलने की संभावना भी लगभग शून्य हो जाती है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मेडिकल कॉलेज को 3 इंक्यूबेटर प्रदान किए गए हैं, जिनकी कीमत 11,80,000 है। ये सुविधा अब हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो रही है। इस सुविधा में प्रदेश के नामी चिकित्सा संस्थान IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ये सुविधा मिलना बड़ी राहत की बात है। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिल्ड्रन वार्ड में इस फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर को लोकार्पण किया। इन 3 फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर को PNB बैंक की तरफ से डोनेट किया गया है। इस मौके पर PNB बैंक के सर्कल प्रमुख विनीश चावला, उप प्रमुख GC भट्टी, जिला अग्रणीय प्रबंधक SK सिन्हा, अजय कतना और बैंक के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि लगभग 11,80,000 रुपए की लागत से स्थापित इन इंक्यूबेटर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा उनका यहां पर सही उपचार और देखभाल हो सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चरणबद्ध ढंग से आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कि आज हमने जो पीडियाट्रिक ICU है हमारा और हमारा जो पीडियाट्रिक वार्ड है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पर 3 इंक्यूबेटर मशीन्स जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा CSR के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को डोनेट की गई, जिसका शुभारंभ जो है वो आज कर दिया गया, वो स्थापित कर दी गई है ICU के अंदर। और ये इंक्यूबेटर्स जो हैं, ये 3 हैं, ये लगभग 11.80 लाख की लागत से ये मशीनों को लिया गया है और ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे हमारे बिल्कुल छोटे जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनकी क्रिटिकल स्टेज में, उनके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, उनके सारे वाइटल्स को मॉनिटर करने के लिए और बहुत सारे और भी जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं इस मशीनों में, उन छोटे से बच्चे जो हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उनको डील करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और जैसा कि हमने कल काफ़ी समय से देखा है कि कोविड के महामारी के बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा साथ जो है हम सबको हेल्थ सेक्टर में मिल रहा है और उसकी कड़ी में जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जो है अपना सहायता का हाथ बार बार बढ़ाया है मुश्किल घड़ी में। और हम PNB की पूरी टीम को और लीड बैंक मैनेजर उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस सहायता के लिए और हमीरपुर के लोगों के लिए और बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज की पूरी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की टीम, उनके हेड डॉक्टर गिरीश, MS डॉक्टर चौहान और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सभी को जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और हमने थोड़ा सा जो हमारे आज ICU में पोस्टेड डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं उनके साथ भी हमें थोड़ा बहुत इंटरेक्शन का मौका मिला और सभी ने हमें बताया कि ये बहुत ही उपयोगी होंगी मशीन्स और आगे भी इस तरह की सहायता हमें सभी विभागों से, ऑर्गेनाइजेशन से मिलती रहेगी। इसी आशा के साथ हम दोबारा जो है सभी को इसका बधाई।